हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक महाजन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जेनरिक टेकी। सो गाइज, एक ऐसा टाइम था जिस टाइम हमें अगर एक अच्छा प्रोसेसर लेना होता था स्नैपड्रैगन का, जैसे 660 की बात कर लो, तो हमें 20,000 से ज़्यादा खर्चने पड़ते थे। लेकिन आज एक ऐसा टाइम आ चुका है कि हमें अच्छे प्रोसेसर लेने के लिए ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छे प्रोसेसर से मेरा मतलब ये नहीं है फ्लैगशिप लेवल के प्रोसेसर, बट हाँ, जो बजट सेगमेंट में काफ़ी अच्छे आने वाले प्रोसेसर है, जैसे 660, 675, 710, 712, वो प्रोसेसर्स लेने के लिए अब हमें ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज की वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहते हो जिसमें आपको ना कि सिर्फ परफॉर्मेंस, इनफैक्ट डिस्प्ले, कैमरा, ये सारी चीज़ें मिल जाएं, बट आपका बजट 15,000 से नीचे हैं, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम टॉप 5 फोन्स की बात करेंगे जो 15,000 से आप नीचे ले सकते हो, जिसमें आपको 15,000 के हिसाब से बहुत बढ़िया स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाती है। सो गाइस, मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अगर आप एक नया फोन लेने का प्लान कर रहे हैं 15,000 से नीचे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड ऐसी और वीडियोज फ्यूचर्स में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। सो फ्रेंड्स, जो हमारी इस पर्टिकुलर वीडियो में जो लिस्ट बनने वाली है, वो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रोसीड करेंगे। जैसे सबसे पहले 5th, 4th, 3rd, 2 और 1, एंड जो 5th नंबर पे आने वाला फ़ोन होगा वो ऑब्वियसली इन सभी से पीछे होगा, तभी 5th पे है, फिर 4th पे, फिर 3rd पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे। एंड ये लिस्ट जो है वो मैंने अपने रिसर्च, अपने एक्सपीरियंस और सारी चीज़ों को देख के ही बनाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिवाइस के साथ, यानी 5th नंबर पे आने वाला डिवाइस, जो मेरे हिसाब से इस लिस्ट में 15,000 से नीचे 5th नंबर पे आने वाला डिवाइस है, वो है सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग गैलेक्सी M30। सो ये पर्टिकुलर डिवाइस आपको 14,990 रुपये में मिल जाएगा, 4+64GB वाला वेरियंट। अगर इसके कुछ मैं खास फीचर्स की बात करूं, तो इसमें आपको 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। सैमसंग की तरफ से आने वाला एक्सिनोस 7904 का चिपसेट भी आपको इसमें पर्टिकुलर हैंडसेट में देखने को मिल जाएगा। डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट मिलेगा अप टू 512GB। 5000mAh की बैटरी भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, यानी बहुत बढ़िया बैटरी बैकअप आपको ये फ़ोन दे देगा। एंड 13+5MP का रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा, और 16MP का आपको फ्रंट में कैमरा देखने को मिल जाएगा। सो ये रहे इसके कुछ खास फीचर्स जो आपको इस फ़ोन में मिल जाएंगे 15,000 से नीचे। ये फ़ोन आप तभी कंसीडर कीजिएगा अगर आप सैमसंग के बहुत अच्छे फ़ैन हैं, आप सैमसंग के अलावा कोई भी फ़ोन नहीं खरीदते, तो उस केस में 15,000 से नीचे आप सैमसंग के इस फ़ोन को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप सैमसंग के हार्डकोर फ़ैन नहीं हो, तो इस लिस्ट में आपको बहुत अच्छे डिवाइसेज और मिलने वाले हैं जो आप खरीद सकते हो, तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए। चलिए गाइस, बढ़ते हैं आगे एंड बात करते हैं 4th नंबर पे आने वाले डिवाइस की, जो मेरे हिसाब से इस लिस्ट में 15,000 से नीचे 4th नंबर पे आने वाला डिवाइस है, वो है ओप्पो की तरफ से आने वाला ओप्पो K1। ये पर्टिकुलर हैंडसेट आपको 14,990 में मिल जाएगा, 4+64GB वाला वेरिएंट। अगर मैं कुछ खास फीचर्स की बात करूं इस पर्टिकुलर हैंडसेट में जो आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इसमें आपको 6.41 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, एक चीज़। दूसरी, इसमें आपको क्वालकॉम की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 660 का चिपसेट भी देखने को मिल जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो इस फोन के सबसे बड़ी हाईलाइट है। 3600mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी, एंड सबसे लास्ट 16+2MP का रियर डुअल सेटअप कैमरा में देखने को मिल जाएगा, और फ्रंट में आपको 25MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, ये फोन जो है अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आता है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 660 आपको देखने को मिलता है। सबसे खास बात जो मुझे इस फोन में लगी, जिसकी वजह से ये लिस्ट में आया है, वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। तो इस फोन में आपको अकेला फोन है जो 15,000 से नीचे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लेके आता है, इसलिए ये लिस्ट में है। एंड M30 से ऊपर इसलिए है क्योंकि इसमें M30 से अच्छे फीचर्स मिलते हैं, एंड 4th नंबर पे इसलिए है क्योंकि आने वाले डिवाइसेस में आपको इससे भी बढ़िया फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आगे एंड बात करते हैं 3rd नंबर पे आने वाले फोन की, जो मेरे हिसाब से 15,000 से नीचे 3rd नंबर पे आने वाला इस लिस्ट में डिवाइस है, वो है वीवो की तरफ से बिल्कुल लेटेस्टली जो लॉन्च हुआ है, वीवो Z1 Pro। ये पर्टिकुलर हैंडसेट भी आपको 14,990 में मिल जाएगा, एंड 4+64GB वाला वेरिएंट। अगर इस फोन के मैं कुछ खास फीचर्स की बात करूं, तो इसमें आपको 6.53 इंचेस की फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले मिल जाएगी, जो कि एक पंच होल डिस्प्ले होगी। अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 712 का चिपसेट आपको देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी 18W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। एंड अगर कैमराज की बात करूं, तो 16+8+2MP का
ट्रिपल रियर सेटअप देखने को मिल जाएगा और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। सो अगर मैं इस फोन की बात करूं तो अगर आप एक सेल्फी सेंट्रिक डिवाइस चाहते हैं तो उस केस में आप इस फोन को कंसीडर कीजिए। अगर आप एक फुल डिस्प्ले का मजा लेना चाहते हैं, ट्रेंड के साथ आपको डिस्प्ले होल चाहिए, तो उस केस में आप इस फोन को कंसीडर कीजिए। एंड ये बहुत अच्छा डिवाइस है, सबसे पहला डिवाइस है जिसमें आपको 712 देखने को मिल रहा है इंडिया में। बट इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने इसको थर्ड नंबर पे रखा। सबसे पहली चीज़ थी इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास की सपोर्ट देखने को नहीं मिलती, एंड दूसरी चीज़ रियर डिज़ाइन में आपको पॉलीकार्बोनेट का डिज़ाइन देखने को मिलता है। सो ड्यूरेबिलिटी को लेके कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा इशू लगा, एंड मैंने इसके रिव्यूज़ देखे तो कैमराज में भी कहीं ना कहीं इशूज़ हैं, इसे मैंने इसको थर्ड नंबर पर रखा है। बट ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा पैकेज है, प्राइस के हिसाब से बहुत दमदार स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। चलिए गाइस बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे आने वाले डिवाइस की तरफ। जो दूसरे नंबर पे मैंने पूरी लिस्ट में डिवाइस रखा है 15,000 से नीचे जो आप बाय कर सकते हैं, वो है रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी 3 प्रो। ये भी एक बहुत अच्छा डिवाइस है, ये डिवाइस आपको 13,999 में मिल जाएगा, 4+64GB वाला वेरियंट। अगर मैं इसके कुछ खास फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको 6.3 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिल जाएगी। प्रोसेसर में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 710 का चिपसेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर फोन में। 4045mAh की बैटरी मिल जाएगी जो वूक चार्ज 3.0 के सपोर्ट के साथ आती है। कैमराज की बात करूं तो 16+5MP का डुअल रियर सेटअप मिलेगा, एंड आपको 25MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। सो सेल्फी लवर्स के लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, एंड अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी चाहते हो, GPU की परफॉर्मेंस खासकर अच्छी चाहते हो, तो उस केस में आप इस फोन को जरूर कंसिडर करना। पबजी खेलने के लिए बहुत अच्छा फोन है। सेकेंड नंबर पे इसलिए है क्योंकि इसमें आपको रियर में पॉलीकार्बोनेट डिज़ाइन मिलता है। सो कहीं ना कहीं ड्यूरेबिलिटी और एक फिनिश और एक प्रीमियम लेवल का फील आने में इसमें कमी रह गई, इसलिए सेकेंड नंबर पे है। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें जो है वो कंपटीशन में बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे प्राइस सेगमेंट में हैं, तो ज़रूर कंसिडर करना। कि नंबर वन वाला डिवाइस जो है, आई नो आपने पहले ही जो है उसको गेस कर लिया होगा, वो है शाओमी की तरफ से आने वाला रेडमी नोट 7 प्रो। ये नंबर वन पे क्यों है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा थोड़ी देर बाद में, लेकिन सबसे पहले इसके कुछ खास फीचर्स की बात करते हैं। इस पर्टिकुलर हैंडसेट में आपको 6.3 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिल जाती है। प्रोसेसर में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर भी देखने को मिलता है। 48MP प्लस 5MP का डुअल रियर सेटअप, 13MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। 4000mAh की बैटरी आपको इस पर्टिकुलर हैंडसेट में मिल जाएगी जो क्विक चार्ज 4K सपोर्ट के साथ आएगी, एंड सबसे बड़ी बात टाइप सी का सपोर्ट के साथ आएगा ये फोन। सो कुछ खास चीज़ें ट्रेंड के हिसाब से बहुत अच्छी हैं इस फोन में। सबसे बढ़िया चीज़ जिसकी वजह से ये पहले नंबर पे है वो है इसका डिज़ाइन। इसमें जो है आपको फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट मिलता है, एंड रियर में भी आपको ग्लास बॉडी दी गई है, तो इसलिए गोरिल्ला ग्लास 5 की रियर में भी सपोर्ट है। 48MP का जो कैमरा है वो फ्लैगशिप कैमरा है सोनी की तरफ से आने वाला, सोनी IMX586। तीसरी चीज़ इसमें आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। सो ये कुछ खास फीचर्स थे जिसकी वजह से मैंने इसको पहले नंबर पर रखा। तो गाइज ये थी पूरी लिस्ट जो बिल्कुल रिवाइज्ड है इस टाइम के अकॉर्डिंगली। सो जुलाई में अगर आप एक नया फोन लेने का प्लान कर रहे हो, या इनफैक्ट अगर आप आने वाले 15 या एक महीने में डिवाइस लेने का सोच रहे हो, तो ये लिस्ट आपके लिए ज़रूर बहुत बढ़िया होगी। इस लिस्ट में से आप कोई भी डिवाइस अपनी नीड्स, अपनी प्रेफरेंसेज, अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंगली पिक कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर एक्चुअली में लगी है तो थम्स अप दीजिए मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड ऐसी और वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। सो इन दैट आई विल से जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।